फतेहगढ़ जेल में बंद फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी विधायक रमाकांत यादव को जेल में भी ड्राई फ्रूट्स और मिनरल वाटर चाहिए। शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान जज से कारागार में ड्राई फ्रूट्स और मिनरल वाटर उपलब्ध कराने की मांग की। रमाकांत यादव ने बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए कहा कि जेल में उन्हें डॉक्टर द्वारा बताया गया कि भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। रमाकांत यादव को शुक्रवार को 4 मामलों में फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। एरोला और फूलपुर इलाके में हुए जहरीली कांड के 2 मुकदमों और अंबारी चौक पर 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान अंधाधुंध फायरिंग के मामले में जज के अवकाश होने के कारण सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 जून तय कर दी गई है। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसएनएल कर्मी से मारपीट और लूटपाट के मामले में भी उनकी पेशी हुई। इस दौरान रमाकांत यादव ने जज के सामने अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने कहा कि उनका ठीक से इलाज भी नहीं कराया जा रहा है, शुगर के कारण उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। विधायक होने के नाते प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें उचित भोजन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। सरकार अगर सक्षम न हो तो उन्हें निजी खर्च पर भोजन और अन्य सुविधाओं के लिए अनुमति दी जाए। इस संबंध में रमाकांत यादव के वकील की तरफ से लिखित प्रार्थना पत्र भी कोर्ट को दिया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए जज अशोक कुमार सिंह ने फतेहगढ़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख तय की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।